मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक अपने 79 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 3 लिस्ट निकल चुका है और अब इंतजार है तो चौथी लिस्ट का। लेकिन इस लिस्ट से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सियासी गलियारों में सबको चौंका दिया है। मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने इस फैसले के पीछे खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि सियासी पिक्चर की असल कहानी कुछ और ही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे एमपी बीजेपी में क्या उठापटक चल रही है। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 4 बार मुझे कोविड हुआ है, ऐसे में चुनावी भागदौर मुझसे नहीं हो सकेगी, इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। पार्टी ने हालांकि उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया। फिलहाल उन्होंने इस संबंध में पार्टी से साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। यशोधरा राजे का बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही यशोधरा ने कहा था कि वो शिवपुरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ऐसे में अचानक से अब उनके फैसले को लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्टी से नाराज यशोधरा। पिछले कुछ दिनों से यशोधरा राजे सिंधिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम एक्टिव है। इसकी वजह से कयास लगाए जा रहे थे कि वो आगामी विधानसभा में चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। मुख्यमंत्री की 2 सभाएं हुई जिसमें यशोधरा मौजूद नहीं थी। जन आशीर्वाद रैली में भी वो नदारद दिखी। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार पार्टी और संगठन में भी अपनी उपेक्षा से यशोधरा नाराज चल रही है। इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि यशोधरा ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से उनकी सक्रियता कम हो गई है। इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जारी है। टिकट काटे जाने की भी चर्चा। राजनीतिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए शिवराज मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के टिकट काटे जा रहे हैं। मंत्रियों के टिकट काटे जाने की खबरों के बीच खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के टिकट पर भी संकट के बादल हैं। शिवपुरी में इस समय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भले ही यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से लगभग 30,000 वोटों से जीती हों, लेकिन इस बार उनकी स्थिति पिछले बार के मुकाबले ज्यादा ठीक नहीं है। शिवपुरी की स्थानीय राजनीति। शिवपुरी जिले में भी स्थानीय राजनीति में यशोधरा की नाराजगी रही है। बीते दिनों बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद वीरेंद्र रघुवंशी की शिवपुरी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। दरअसल गुना शिवपुरी संसदीय सीट से 3 जिले गुना, शिवपुरी और अशोकनगर हैं। इन तीनों जिलों में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 9 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से सियासी उलटपुलट हुआ है, उसके बाद माना जा रहा है कि गुना शिवपुरी सीट पर सिंधिया परिवार का दबदबा कुछ कम और कमजोर हुआ है। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि इस विधानसभा चुनाव से किनारा करते हुए यशोधरा एक बार फिर या तो ग्वालियर सीट से संसद की दावेदारी ठोक सकती हैं या फिर गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से टिकट की मांग पार्टी से कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी को कहीं न कहीं पहले से पता था कि यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ेंगी। माना जा रहा है कि शिवपुरी के साथ साथ आसपास की विधानसभाओं पर असर रखने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतार कर पार्टी सबको चौंका सकती है। इन अटकलों में कितनी सच्चाई है फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, मगर इस सीट पर सिंधिया या उनके समर्थकों को ही चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।